घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सियाराम चौक पर आज एक महिला का निधन हो गया। घटना संदिग्ध है ऐसा पुलिस भी मान रही है और महिला के परिजन भी मान रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महिला के परिजन सहित आसपास के लोगों में ये चर्चा है, खासकर आसपास के लोगों में, कि महिला के साथ कल मारपीट की गई थी और उसके गले पे निशान भी हैं, उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसी को लेकर खंडवा CSP अरविंद सिंह तोमर मौके पर पहुंचे, कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे और महिला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल का गंभीरता से मौका मुआयना किया गया है। PM रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। और जो महिला है उसके परिजन इलाहाबाद रहते हैं ऐसा आसपास के लोगों ने बताया। उनके आने के बाद उनके बयान के आधार पर और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इस घटना को लेकर मोहल्ले में काफ़ी चर्चा है और गंभीरता से पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है क्योंकि ये घटना संदिग्ध मानी जा रही है। आइए, खंडवा CSP अरविंद सिंह तोमर ने इस संबंध में जानकारी दी है, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि सियाराम चौक के पास में एक परिवार है जहाँ सुरेखा और बिट्टी पासी नवविवाहिता है, उसने फांसी लगने से मर गई। सूचना पर थाने पर मर्ग कायम किया गया है, जांच की जा रही है। फिलहाल PM कराया जा रहा है जिससे कि मृत्यु के स्पष्ट कारण का ज्ञान हो जाएगा। फिर परिवार वालों के कथन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसके परिजन इलाहाबाद में हैं, उनको सूचना हो चुकी है, वो लोग आ रहे हैं। सब कहना अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो गई। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।